हेलो एवरीवन, अगेन स्वागत है आप लोगों का डिज़ाइन सॉल्यूशन में। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लास्ट वीडियो में डोर कैसे असाइन करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ विंडो कैसे असाइन करना है। यहाँ पर जाना है क्रिएट के ऑप्शन पे। क्रिएट के ऑप्शन पे जाकर आपको एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में बॉक्स बना लेना है, जिस साइज़ का आपको डोर या विंडो लेना है उस साइज़ का। आप यहाँ पर स्टैंड अप प्रिमिटिव में गए। स्टैंड अप प्रिमिटिव में जाने के बाद आपने एक बॉक्स लेना है। बॉक्स यहाँ पर आपने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब आप बॉक्स किस साइज़ का बनाओगे, जिस साइज़ का आपको विंडो लेना है। तो मैंने एस्केप किया, एस्केप करके मैं मॉडिफाई के अंदर गया। मॉडिफाई में जाकर मैंने यहाँ पर लेंथ लिया। जैसे मान लीजिए मैं 4 फिट का कोई विंडो बनाना चाहता हूँ, तो मैंने 4 फिट का इसमें विंडो डाला। देन टैब दबाकर विड्थ भी उसका 4 फिट डाला और हाइट भी मैंने उसका 4 फिट डाला। ठीक है, तो मैंने पैरामीटर्स चेंज कर लिए इसके। 4 फिट 4 फिट बाय 4 फिट का मैंने क्यूब बना लिया। क्यूब बनाने के बाद मैंने देखा ये जो क्यूब बन रहा है वो एकदम बॉटम से बन रहा है। जैसे मैं फ्रंट व्यू पे जाता हूँ, जेड प्रेस करता हूँ। जेड प्रेस करने के बाद मैंने देखा कि ये जो मेरा बॉक्स बनाया है मैंने अभी, ये बॉक्स मेरा कैसा बन रहा है, एकदम बॉटम से बन रहा है। तो मुझे इसको पर्टिकुलर किसी हाइट पर लेना होगा। तो उसको हाइट देने के लिए मुझे क्या करना होता है, आप जैसे इस टॉगल पर क्लिक करके देखा है आपने, इस बॉक्स पर क्लिक करके रखा हुआ है, आपको इसको जेड डायरेक्शन में ऊपर लेके जाना है। तो आप अभी जेड डायरेक्शन पे उसको लेके जाओगे तो मैन्युअली ऊपर जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 3 फिट ऊपर लेके जाना है, तो आप यहाँ पर मूव कमांड पे एक्टिव, पहले इस बॉक्स पे जाकर आपको मूव कमांड एक्टिव करानी होगी। देन यहाँ पे मूव कमांड पे राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर दिखाता है उसका एब्सोल्यूट वर्ल्ड पोजिशन, मतलब यहाँ पर आपका जो बॉक्स रखा हुआ है वो यहाँ दिखाता है उसका ऑफसेट वर्ल्ड, कि आपको इसको किस डायरेक्शन में कितना ऊपर लेकर जाना है। तो मैंने देखा यहाँ जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में 3 फिट ऊपर लेकर जाना है। तो मैंने जेड डायरेक्शन में 3 फिट डाला और एंटर किया, तो उस ऑब्जेक्ट को 3 फिट ऊपर ले गया। मैं एस्केप किया, एस्केप करके अगेन टी प्रेस किया, तो टॉप व्यू में जाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लेके गया। लेफ्ट में ले जाने के बाद इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लिया। सेंटर में करने के बाद मैं अगेन अल्ट और माउस के मिडल माउस बटन से मैंने इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट में मुझको ट्रिम करना है, तो ट्रिम करने के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट के ऑप्शन में गया। क्रिएट के ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पर गया कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में प्रोबुलियन के बाद मैंने स्टार्ट पिकिंग किया। स्टार्ट पिकिंग करके मुझे इस ऑब्जेक्ट को पिक कर लेना है बस। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गया। उससे स्केप करके मैं सब चीज़ों से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मुझे इसके बाद विंडो असाइन करनी है। विंडो असाइन करने के लिए मुझे जाना है अगेन क्रिएट के ऑप्शन पे। यहाँ ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। ज्योमेट्री पे क्लिक करने के बाद कंपाउंड ऑब्जेक्ट के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडो का। आप विंडो पर क्लिक करेंगे, विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप में 6 टाइप के विंडोज़ दिखा रहा है। जैसे सबसे पहले विंडो एविंग विंडो, दूसरा है कैसमेंट विंडो, तीसरा है फिक्स विंडो, फोर्थ है पाइवेटेड विंडो, फिफ्थ है प्रोजेक्टेड विंडो और लास्ट वन है स्लाइडिंग विंडो। जैसे कि मैं पहला वाला विंडो लगा के दिखाता हूँ आपको, एविंग विंडो। आपने एविंग विंडो पर क्लिक किया। मैंने जैसे कि लास्ट विंडो में, लास्ट डोर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डोर कैसे बन रहा था, उसका क्रिएशन मेथड लिखा हुआ था। एज इट इज़ यहाँ पर विंडो का भी क्रिएशन मेथड लिखा हुआ है, पहले विड्थ, डेप्थ और हाइट। तो आपने स्नैप को ऑन करना है। स्नैप ऑन करने के बाद यहाँ पर जाएंगे आप, और यहाँ पर जाने के बाद आपने पहले विड्थ लेना है। तो यहाँ से आपने विड्थ लेना स्टार्ट किया। ये पहले विड्थ ले लिया, फिर डेप्थ ले लिया और फिर आपने हाइट ले लिया। आपने ये विंडो बना दिया। विंडो बनाने के बाद स्केप करके आप बाहर निकले। अगेन आपने विंडो पे क्लिक किया और मॉडिफाई के अंदर गए। मॉडिफाई में जाने के बाद आप नीचे आएंगे बॉटम में, तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स दिखा रहा है। पैरामीटर्स बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, क्योंकि मैंने स्नैप पॉइंट ऑन करके रखा था। यहाँ पर पैरामीटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर फ्रेम साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर बॉटम में आएंगे तो यहाँ पर ओपन विंडो का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका ओपन हो गया। तो इस विंडो को ओपन कर सकते हैं। इसके पैनल काउंट आपको बढ़ाने हैं तो बढ़ा सकते हैं, कम करने तो कम कर सकते हैं। ये एक एविंग विंडो है, और भी टाइप के इसके अंदर विंडो हैं। हम दूसरा विंडो देख लेते हैं। तो एक विंडो ये था मेरा एविंग विंडो। मैं नेक्स्ट विंडो की बात करता हूँ। मैंने इस विंडो को सिलेक्ट किया, देन मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं अगेन क्रिएट के ऑप्शन पे गया। क्रिएट के ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने लिया लास्ट वन स्लाइडिंग विंडो। सारे विंडो एक ही जैसे बनते हैं, तो मैंने लिया स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो लेने के बाद मैंने विंडो बनाना है। यहाँ पर विंडो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले जो मैंने पॉइंट लिया था वहीं जाना होगा, बॉक्स के पॉइंट पर, वर्टेक्स पॉइंट पर। यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया, पहले विड्थ, फिर डेप्थ और फिर हाइट। आप इसको जूम कर लेंगे थोड़ा। मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, मॉडिफाई में देखा तो आप पैरामीटर ऑटोमेटिक आ गए। आप बॉटम में जाके इसको ओपन कर लेंगे। तो आपने ये स्लाइडिंग विंडो लगा दिया ऐसे। यहाँ ओपनिंग के ऊपर ही एक ऑप्शन दिया हुआ है, ओपन विंडो हंग।
फंक्शन हटा देंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा ये। अब इसको रोटेट करके देख लेंगे, इसके बाद आपने इसको एस्केप किया, एस्केप करके आप बाहर निकले इससे और आपने क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप बाहर निकल गए। मैं अगेन आप लोग को दोबारा बता रहा हूँ कि आपको कैसे लगाना है विंडो। विंडो लगाने के लिए आपने स्नैप को बंद कर लिया, क्रिएट के ऑप्शन पे गए, क्रिएट के ऑप्शन में जाने के बाद स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के बाद बॉक्स लिया आपने और यहाँ पे एक बॉक्स बनाना स्टार्ट किया। बॉक्स बनाने के बाद आपने एस्केप किया, मॉडिफाई में जाकर आपने पैरामीटर चेंज किया, जिस भी साइज़ का आपको विंडो लेना है विंडो का साइज़ आप उस साइज़ का ले लेंगे। जैसा मैंने लिया यहाँ पे 4 फिट का, डेप 4 फिट का, विड्थ भी लिया, लेंथ भी 4 फिट का, विड्थ भी 4 फिट का और हाइट भी मैंने 4 फिट की ली। इसके बाद मैंने एस्केप करके बाहर निकला, एस्केप करके मैंने देखा कि जेड डायरेक्शन ऊपर आ रहा है, मुझे जेड डायरेक्शन पर मूव कराना है तो मैंने राइट क्लिक किया इसको मूव कमांड एक्टिव होने के बाद और जेड डायरेक्शन पर मैंने 3 फिट डाला और इंटर किया तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो ऊपर चला गया। मैंने टी प्रेस करके टॉप व्यू पे गया, जेड प्रेस किया तो जूम आउट हो गया। जूम आउट होने के बाद मुझे जिस भी विंडो के अंदर जिस भी वॉल पर काम करना था तो मैंने उसको उस साइड में मूव किया, इसको मैंने इतना मूव किया, इसको हल्का साइड में कर लिया। साइड में करने के बाद मैंने इसको हल्का सा रोटेट किया, रोटेट करने के बाद मैंने अगेन ये वाली वॉल के अंदर ट्रिम करना था तो इस वॉल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट पर गया, क्रिएट पर जाने के बाद कंपाउंड ऑब्जेक्ट, कंपाउंड ऑब्जेक्ट के बाद प्रो बूलियन, प्रो बूलियन के बाद आपने स्टार्ट पिकिंग पर क्लिक किया और जिस भी बॉक्स को क्लिक करेंगे आप उतना ट्रिम हो जाएगा। तो ये ट्रिम हो गया, एस्केप करके मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने सबसे पहले स्नैप पॉइंट को ऑन करना है तो मैंने यहाँ से स्नैप टॉगल को ऑन किया। यहाँ कंपाउंड ऑब्जेक्ट की जगह मैं गया मैं विंडोज़ के अंदर, विंडो पे जाकर मैंने यहाँ पे फिक्स विंडो लिया है। फिक्स विंडो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्रिएशन मेथड लिखा हुआ है, पहले विड्थ, ये विड्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई और ये हाइट हो गई। आप ऐसे करके विंडो बना लेंगे देन एस्केप करेंगे, फिक्स विंडो तो ओपन हो नहीं सकता है तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो आप ऐसे करके विंडोज़ लगा लेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डोर बनाना बताया था, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को विंडो बनाना बताया है तो डोर विंडो आप लोग लगा के देख लीजिए। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।